भीमताल वाला रास्ता लेना, नैनीताल वाला मतलब नैनीताल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, एक नई फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हो सारे सारे, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। सो गाइस, शाम के हो रहे हैं 9:45 और हम निकल रहे हैं भाई नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए जीजा के साथ, और अपनी दुकान का लड़का आकाश उसके साथ निकल रहे भाई जीजा। कह रहे हैं पहुँच रहा हूँ 2-4 मिनट में, मैं आ गया नीचे। बाकी मैंने पराठे वराठे पैक करा लिए अपना, मैंने तो खा लिए आलू के पराठे थे, बढ़िया बन रहे थे, मैंने कि पैक कर दो, क्योंकि आकाश जो आएगा ना वो सीधा भी दुकान से आ रहा होगा पापा के साथ। अचानक प्लान बना, जीजा का फ़ोन आया 1.5 घंटे पहले, क्योंकि चलो भाई चलते हैं घूमने, मतलब रात में निकल रहे हैं 10 बजे, सुबह पहुँच जाएंगे 4-5 बजे तक, फिर दर्शन करके और फिर वापसी अपने घर आ जाएंगे। और अपनी एक बीस्ट खड़ी है ये ट्रैवलिंग किंग, द ट्रैवलिंग किंग एक ही खड़ी है 72 और 1 72, ये खड़ी अपनी बाइक यहाँ, और यहाँ खड़ी अपनी स्प्लेंडर, लॉर्ड स्प्लेंडर। अभी जस्ट मैं दुकान से आया था और बस खाना वाना खाया, कपड़े वपड़े चेंज करे और एक जोड़ी अपने कपड़े रख लिए मैंने। भाई मेरा बहुत मन था दर्शन करने का नीम करौली बाबा जी का, बहुत ज़्यादा मन था, काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था। हम कभी बचपन में गए थे, बचपन में मम्मी मम्मी के साथ गए थे ना, मामा मामा के साथ, जब मैं 7th क्लास के आसपास था, 7th या 8th में था या 6th में था ऐसे कुछ था, तो जब गया था मैं। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं अपने कैची धाम के लिए, और साथ में हमारे जीजा आ चुके हैं, और पीछे अपने आकाश मियां, आकाश भाई हमारे, तो अभी चल रहे भाई, ड्राइविंग सीट हमने पकड़ी हुई है, ओए होए, और साथ में हमने ले ली निकलते ही रेडबुल ले ली साथ में, शुगर फ्री वाली भाई, तो रात को गाड़ी चलानी है तो इनकी रेडबुल चाहिए होती है ज़रूरी। तो भाई अपनी जर्नी का पहला टोल आ चुका है और टाइम हो गया 11:15। टोल ये कौन सा वाला आया, 6000 से सुप्रीम प्लाजा, 6000 से वाला आ गया, ये हापुड़ के पास आया, हापुड़ वाला टोल कहेंगे वैसे तो इसे। टाइम हो रहा है 11:42 और हम रुके हैं अभी राजा जी ढाबा पे, और जीजा को आ रहा था टॉयलेट, तो मन की चलो जी वॉशरूम करा देते हैं। और यहाँ भाई रात में ऊँट की सवारी चल रही है, ये देखो अलग अलग शौक है भाई लोगों के, राजा जी के, राजा जी लिख रहा है इसकी चद्दर पे भी, और राजा जी ढाबे पे रुके हैं यहाँ पे हम हाईवे पे ही, और अपनी गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी, बाकी गाड़ी गंदी हो रखी है, मैं ही चला रहा हूँ गाड़ी, जीजा को मतलब इतना वो नहीं है चलाने का एक्सपीरियंस, और ना तो चलाते हैं लॉन्ग रूट पे। अगर मैं हूँ ना उनके साथ तो मुझे ही देंगे 100% गाड़ी, और किसी को देते भी नहीं हो, अगर मेरे साथ और भी जा रहे होंगे किसी को नहीं देंगे, बस मुझे ही देंगे। तो अभी जीजा गए टॉयलेट करने और हम बाहर ही खड़े हैं भाई, रेड बुल पीते हुए आ रहे हैं अपना मज़े से, गाने वाने सुनते हुए, तो रात में कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो रात में इसलिए मैं वो ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना रहा। बाकी सामने ये रहा हाईवे, और अभी हमें नॉन स्टॉप अभी 240 किलोमीटर के आसपास चलना है राजा जी ढाबे पे, इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने का, तो अब भाई कोई इलेक्ट्रिक कार से आ रहा हो तो यहाँ पे चार्ज कर सकता है। ये रहा राजा ढाबा और ये रहा इलेक्ट्रिक का अपना, अगर इलेक्ट्रिक कार से आ रहा हो तो भाई अपना चार्ज करो और निकल जाओ यहाँ से, सही है ये भी, तो बैठते चलो गाड़ी में, अब चलते हैं, जीजा आ गए। सुबह के बज रहे हैं 4:10 और हम पहुंच चुके हैं भाई नीम करौली धाम, नीम करौली बाबा मंदिर, मतलब मंदिर ये रहा थोड़ा पीछे आगे है, थोड़ा सा आगे चल के ना, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ होटल था, मैंने कि सोचा कमरा वमरा
और अपना रेस्ट वेस्ट कर ले, अपना एक आध घंटा सो लेंगे, फिर ना धो के यहीं से अपना कपड़े वपड़े चेंज करके दर्शन कर लेंगे और गाड़ी घड़ी अपनी यहाँ जी जगह ऊपर रूम वाले से बात करने, पर रूम वाला मुझे लगता नहीं कोई मिलेगा। बाकी सही टाइम पे आ गए, आराम आराम से आए, 6-7 घंटे में आराम से आ गए। 4 बज रहे, 10 बजे चले थे, 10:15 10:30 मतलब आकाश को जब उठाया था जब हम 10:30 11 बज रहे थे। तो भाई बात ऐसी है, अपने घर जैसी है, हमने लगा ली गाड़ी साइड में और गाड़ी में ही लेट रहे। जीजा चले गए अभी थोड़ा घूमने, आकाश तो सो ही रहा पूरे रास्ते सोता आया, तो मैं भी सोच रहा हूँ सो ही जाऊँ और क्या, गाड़ी में सो जाते हैं, 1-2 घंटे सोना। 6:30 बजे मंदिर खुलता है भाई, नीचे से आ रहे हो काठ गोदाम की साइड से, तो भाई भीमताल वाला रास्ता लेना, नैनीताल वाला मतलब है, नैनीताल तो घुमा के ले आएगा बहुत, भीमताल वाला रास्ता छोटा है। 1-2 घंटे सो लेते हैं, फिर अपना कहीं देख के किसी होटल वाले से बात करके 100-200 रुपये दे के उसे, 100-200 रुपये दे के उसे अपना फ्रेश वगैरह नहा धो के फिर अपना मंदिर दर्शन करके अपना निकल लेंगे, है ना। और अपने को कैंप वगैरह भी देखने हैं अपनी, जो हमारी 11 तारीख की राइड है, अगर किसी को ज्वाइन करनी है तो भाई इंस्टाग्राम पे lord_splendor_riders पे मैसेज कर देना, कल उसके लिए कैंप वगैरह भी देखने हैं। भाई कैंप देख लिया था, बुकिंग भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, बस कल भाई को जाके पैसे पकड़ाने हैं, मतलब कल के आज ही पैसे पकड़ाने हैं और साथ में फिजिकल भी देख ही लेंगे उसको कैंप को, है ना। तो एक रीज़न ये भी था कि अपना कैंप भी देख लूँगा और मंदिर के दर्शन, भाई बहुत टाइम से ड्रीम था, मतलब आया था मैं बचपन में आया था कभी, तो अब सोते हैं भाई, है ना, थोड़ी देर में मिलते हैं सो वो के। और बाहर का टेम्परेचर भाई बहुत तगड़ा ठंडा वाला हो रखा, बहुत तगड़ा ठंडा हो रखा है बाहर का टेम्परेचर, तो मतलब अच्छा खासा ठंडा हो रहा है, हाथ ठंडे हो गए, सो जाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी ले ली सुबह सुबह चाय और जहाँ इसी होटल में हमने बात की थी यहाँ तो मना कर दिया था, और तो वहाँ खड़ी कर ली थी गाड़ी अपनी, वहीं सो गए थे। अब यहाँ बात करिए 100 रुपये पर बंदा कह रहा है, नहाना धोना अपना फ्रेश वगैरह हो जाऊँ और फिर यहाँ से जल्दी जल्दी आ जाना। बाकी इस होटल में रुकने का सोच रहे थे, कमरे खाली नहीं है, तो भाई गाड़ियाँ कर दी पार्क और दोनों वो तो जा चुके हैं नहाने, मैं भी चले ही जाता हूँ। पार्किंग में खड़ी कर दी, सही है भाई, अब दर्शन भी कर लेंगे, अपना बैग वैग रख के वहाँ आ रहे हो ऊपर जाके ना, इसमें वो खड़ा का वहाँ जाके नहाएंगे, निकल भाई पहला। ये रहा सामने मंदिर और अभी हमें यहाँ रोड पे जा रहे हैं, मतलब नहा धो के तैयार हो चुके और चल रहे हैं। ये रहा भाई मंदिर, बहुत ओ भाई साहब क्या भीड़ है यहाँ तो देखो, ठीक ठीक भाई साहब तगड़ी वाली भीड़ है, तगड़ी वाली भीड़, और अभी चल लिया आरती, इतनी तगड़ी वाली भीड़ है भाई। एंट्री हो चुकी है अपनी मंदिर में और ये रहा मंदिर यहाँ पे, पर भीड़ बहुत है अंदर, ये नदी आती हुई। दर्शन वर्शन कर लिए अपने, चल रहे हैं और करेंगे ब्रेकफास्ट नाश्ता, और भीड़ अच्छी खासी है। आज भाई मंगलवार है और भीड़ सही है, ठीक ठाक है भीड़, आज मंगलवार है भाई और सही है। आरती के टाइम पे पहुँचे, आरती थोड़ी बहुत रह गई थी, साथ में आरती भी अटेंड कर ली और अपने फ़ोन की होगी बैटरी डाउन, गोप्रो से व्लॉग कर रहा हूँ इसलिए मैं लेके आया था स्पेशल गोप्रो, क्योंकि भाई गोप्रो से व्लॉग करेंगे। बाकी सीन भाई ये देख लो, ये जीजा हमारे, ये आकाश मियाँ,
वीडियो में आ जाओ। और भीड़ देख लो भाई, क्या तगड़ी वाली हो रखी है ना बाहर ही। आज मंगलवार है इस वजह से, और यहाँ पे मंदिर, मेन मंदिर जो है वो है भाई ये वाइट वाला, तो महाराज जी है ना नीम करौली जी, वो इस वाले मंदिर में वाइट वाले में जो उनका स्टैचू बनाया गया। बाकी ये वैष्णो देवी जी का मंदिर है, और मतलब बहुत माता जी का मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारी माता जी हैं उनका मंदिर बनाए हुए हैं। और आज वैष्णो देवी, आज आपके नवरात्रि भी स्टार्ट हो गए आज से, तो जय माता दी और जय श्री राम। एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना। वहीं आ गए जहाँ नहाए थे ना, इसके ऊपर ही नहाए थे हम जाके। 100 रुपये पर बंदा लिया था, अगर किसी को नहाना है तो नहा लेना भाई आके, अगर कोई जैसे रात रात को आ रहा है सुबह नहा के दर्शन करने। और इसी के सामने, बिल्कुल सामने वहीं पे पार्किंग है, और यहाँ पे हम अपना अभी नाश्ता करने आ गए, चाय ब्रेड पकौड़े। जब हम नहा के जा रहे थे ना, जब ब्रेड पकौड़े बना तो मेरा मुँह में पानी आ गया, जब मन के अपने यहाँ से जब जी जी निकलेंगे चाय और ब्रेड खा के, और फिर यहाँ से निकलना है हमें कहाँ, अपने कैंप्स की तरफ, नैनीताल लेक के लिए निकलेंगे। फिर वहीं से आके हमारा कैंप है जहाँ मैंने कैंप बुक कर रहा हूँ मैं 11 मई के लिए। तो अगर किसी को आपको राइड ज्वाइन करनी है हमारे साथ तो कर सकता है, वैसे हीरो स्प्लेंडर के लिए है। अगर कोई अदर बाइक भी करना चाह रहा हो तो आ सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी नाश्ता कर लेते हैं। और कहाँ से चार्जर मंगाया गाड़ी में से भाई, बैटरी डेड हो गई, 15% रह गया, और 15% आईफोन का आप जानते हो जल्दी से ख़त्म हो जाता। तो भाई अब निकल चुके हैं हम यहाँ से, बस अगले महीने अपने को फिर आना है यहाँ पे, और अब चल दिए, टाइम हो गया 9 बज गए भाई। वैसे तो हम सोच रहे थे 8 बजे निकल जाएंगे पर 9 बज गए, और दर्शन करने में भाई बढ़िया अच्छे दर्शन हो गए बढ़िया से। आरती के एंड पे पहुँचे थे, आरती मिल गई मतलब थोड़ी बहुत, बढ़िया मज़ा आ गया। और ब्रेड पकौड़े, हमने ब्रेड पकौड़े खा लिए दो दो, एक एक चाय। निकल चुके हैं हम नैनीताल लेक के लिए, अब देखते हैं रास्ते में ड्रोन भी उड़ाते हैं, यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते मंदिर के ऊपर, कहीं पकड़ ले हमें, इसलिए कहीं रास्ते में उड़ाएंगे ड्रोन। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, और नैनीताल में घुसने की, इस रोड पे आने के 110 रुपये देने पड़े हमें नगर पालिका के, इनके भाई एग्जिट करना करा इसी रोड पे चलने के 110 रुपये हम इनके, ओहो 110 रुपये की पर्ची बना के पहले रख रखी है, कोई गाड़ी नंबर नहीं कुछ नहीं। और अभी हम आ चुके हैं नैनीताल, नैनीताल जू के लिए ये वाला रास्ता जाता है, ये ऐसा बराबर में लेक, ऐसे रोकना अलाउड नहीं है, दिल्ली नंबर गाड़ी, ये री लेक भाई इधर साइड में।
हम पहुंच चुके थे अपने घर कितने बजे, 4:30-5 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास पहुंच चुके थे। और फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया था, लगभग 6 से 7 घंटे मेरा फ़ोन बंद रहा है। आज पहली बार मेरा फ़ोन बंद रहा है, स्विच ऑफ हुआ है, और कभी ऐसे होता नहीं है। बट मैंने सोचा था कहीं रास्ते में रुक के कहीं खाना वाना खाएंगे या कुछ भी थोड़ा फोर खाएंगे तो चार्ज कर लूँगा। बट हम कहीं रुके ही नहीं भाई, ऊपर से चले, ड्रोन शॉट लिए और नॉन स्टॉप आए घर, कहीं रुके ही नहीं भाई। बाकी अच्छे हुए दर्शन, बहुत बढ़िया लगा। और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए, 1 मिलियन एक और वीडियो पहुंच गई, रील्स, मतलब 1 मिलियन एक और रील पहुंच गई मेरी। और फॉलोअर्स भाई आते, क्या फॉलोअर्स बढ़े, ओए होए, थैंक यू सो मच भाई, दिल से बहुत बहुत। और दूसरी आईडी पे भी फॉलोअर्स बढ़े हैं, मैसेज पड़े हैं अभी भाई, अभी सीन नहीं करें, मतलब मैंने आके फ़ोन चार्ज लगाया है और अभी बज रहे हैं 7। और भाई अच्छा रहा भाई दर्शन, बहुत बढ़िया हुए, बहुत ही जल्दी हो गए। मतलब जैसे मंगल था, मैं सोच रहा था कि मंगल को बहुत भीड़ होती है, तो मंगल के हिसाब से मैं सोच रहा था कि भाई दर्शन तो बहुत अटके होंगे, मतलब भीड़ बढ़ा के में होंगे। बट आज ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि आज पहला नवरात्रा भी था और अपना मंगलवार भी था, तो ज़्यादा भीड़ नहीं मिली हमें। दर्शन मुश्किल से 10 मिनट में हमारे हो गए सब चीज़। आरती के टाइम पर पहुँचे थे, 5-7 मिनट की आरती ले ली हमने और फिर दर्शन वर्शन करके अपना बढ़िया से आए। फिर नैनीताल निकल गए, नैनीताल से हम 11 मई के लिए अपने कैंप्स वगैरह बुक कर रहे थे, वो उसको देखने गए थे। बट भाई वो कैंप वैसे तो पसंद आए, बट मेन रोड से 2 किलोमीटर का ट्रैक था, 2 किलोमीटर मतलब 150 मीटर जाके मैंने भैया को फ़ोन कर दिया, भैया मैं आपके कैंप पर नहीं ले सकता, मेरे जो भी पैसे हैं उन्होंने 500 रुपये काट के, मैंने उन्हें 10 बंदों की पेमेंट दी हुई थी, उन्होंने 500 रुपये काट के मुझे पेमेंट वापसी दे दी। मैंने कोई बात नहीं, पर भैया मैं आपके कैंप में, तो ये 100 मीटर चलने में मैं ही थक गया, बहुत ट्रैक था भाई, सीधी खड़ी चढ़ाई थी। मैंने कहा भैया मैं आपके कैंप पे मैं नहीं आ सकता, क्योंकि भाई मुझे पिटना नहीं है भाई अपने भाइयों से, जोर भाई के लेके जाऊँगा तो उनसे पिटना नहीं था मुझे। फिर हम वहाँ से कैंप वगैरह देख के फिर हम सीधा अपना घर आ गए, नॉन स्टॉप मतलब ड्रोन शॉट लिए और नॉन स्टॉप अपना घर आ गए, और फिर हम कहीं गए ही नहीं। अब बस अब सोने का टाइम होगा, आके मैगी चाय वगैरह। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल मदर फादर। मिलते हैं अच्छे से नए सुपर फ्रेश व्लॉग में, और थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए, चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए, और जिसने नहीं करा अभी तक अब कर दो भाई प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।